एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को आज हम लेकर आए। भारत के संविधान में भाग तीन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए। पिछले क्लास में मैंने भाग दो नागरिकता का जिक्र किया था और आज हम भाग तीन मौलिक अधिकार का जिक्र कर रहे हैं। यानी भारत के संविधान में भाग तीन का संबंध मौलिक अधिकार से है और ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। यानी प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं, भारत के संविधान में कहां से की कॉपी की गई है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, भाग तीन में है। इनका जो उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में, जब ये संविधान लिखा गया तब इसमें कुल 7 वर्गीकरण थे और एक वर्तमान में हटा दिया गया है, एक रिमूव कर दिया गया है। तो जब रिमूव किया गया तो बचे 6 वर्गीकरण है, तो वर्तमान में कितने वर्गीकरण है, 6। यानी 6 खंडों में 6 वर्गीकरणों में अब हम इसको पढ़ाते हैं। मूल में 7 वर्गीकरण थे, अब इनका जो उल्लेख है वो 12 से 35 में है, तो हम इसको जिक्र करेंगे कि कैसे हम इनको आपके इन 6 वर्गीकरणों को डिफाइन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इनको याद करने का एक तरीका है, कैसे? पहला है, आप याद करिए 14 से 18, 19 से 22, 23 24, 25 28, 29 30 और 32। इसमें 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, अब उसे हटा दिया गया है और 300 के ए में कर दिया गया है, जिसका कि जिक्र अभी हम करेंगे। अभी हम फिलहाल विस्तार से चर्चा करते हैं 14 से 18। मैंने बोला अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जबकि यहां पर मैंने 14 से लिखा है, तो 12 और 13 में क्या है? तो 12 में मौलिक अधिकारों के जो विषय में जो राज शब्द को परिभाषित करते हैं, जो राज शब्द की परिभाषा है वो 12 में। 13 में है, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, अर्थात 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, तो 13 में यह कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून का निर्माण नहीं करेगा जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। अब इसका 14 से है, अब इधर हम लोग भरेंगे। याद करें जैसे कि आप लोग मोबाइल नंबर याद करते हैं, मोबाइल नंबर में क्या है, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 हटा दिया गया है और 32, 14, 18 है। ये पहला है समता का अधिकार, जिसे आप लोग कहते हैं समानता का अधिकार, या समानता का अधिकार कहते हैं, चाहे समता का अधिकार कहते हैं, ये किस अनुच्छेद में है, 14 से 18। जो अगला है 19 से 22, ये स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता। याद करने का एक तरीका है, पहले स्वतंत्रता है, फिर शोषण के विरुद्ध है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता है, तो ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है 29-30, अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी 29-30 अल्पसंख्यकों के विषय में है, अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे आप पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 और 32,
इधर कैसे याद करेंगे? पहले समता है, फिर स्वतंत्रता है, फिर शोषण है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता है, फिर अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस प्रकार से छह वर्गीकरण है। जो यहाँ पर ये जो 31 नंबर छूटा हुआ है, ये मूल अधिकार में संपत्ति से संबंधित अधिकार था। किससे संबंधित था? संपत्ति से। यानी मूल अधिकार में अनुच्छेद 31 का संबंध संपत्ति से था, जिसे कि 44वें संशोधन से हटा दिया गया है, जिसे कि 44वें संशोधन से हटा दिया गया है 1978 में। प्रश्न यहाँ पर बहुत से बनते हैं कि 44वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो संपत्ति के मौलिक अधिकार से है। इसको हटा दिया गया है और इसे 300 के ए में कर दिया गया है। अब इसकी प्रगति मौलिक नहीं रही, अब इसकी प्रगति विधिक हो गई है, कानूनी हो गई। तो आप इसको समझने की कोशिश करें, मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकार हैं, जिसमें कि ये अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में है। ये प्रारंभ में 7 वर्गीकरण थे, वर्तमान में 6 वर्गीकरण हैं और ये 6 उल्लेख है। इनमें से समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संबंधी अधिकार और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो 31 नंबर का था वो संपत्ति से संबंधित था, जिसे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और उसे अब 300 के ए में कर दिया गया है। अब जबकि ये 300 के ए में है, तो इसकी प्रकृति जो है वो मौलिक नहीं रही, अब विधिक हो गई है, कानूनी हो गई है। आपको कैसा लगा? मैंने बहुत ही कम शब्दों में डिफाइन किया है, अच्छा से अच्छा बताने का प्रयास किया है। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, किस अनुच्छेद में, कितने वर्गीकरण है, कैसे बांटा गया, सत्ता कहाँ है, स्वतंत्रता कहाँ है, शोषण कहाँ है, और किस संशोधन से संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है, किस वर्ष हटाया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से डिफाइन किया है। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।